हाँ ये अभी दिखाएंगे अपने को गांव गोली में नेचुरल फार्मिंग का बोर्ड बनाते हुए। कोई भी साधन ले, कितना भी बड़ा ले, आप उसको थोड़ा कम करें, ओछा रखें। ये पहले ऐसे करते हैं ना, आप इसको आधा कर लो, आप सुनो पहले, ग्राम को आधा कर लो, 10 किलो डालो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, ठीक है, ये डाल उसके बाद डेढ़ से, सुनो डेढ़ से 2 किलो इसमें डालो आप गोबर, हाँ डेढ़ से 2 ही डाल दो, डेढ़ से 2 किलो इसमें डालो आप बेसन और गुड़, और 2 किलो डालो इसके अंदर मिट्टी बढ़ के नीचे फिर डे, ये गुड़ हो गया। आप इसके थोड़े टुकड़े भी कर सकते हैं, अगर इसके 2-4 नहीं फिंगल जाएगा फिर इलाज होगा। इस तरह से आप इसको टुकड़े तोड़ लो, चूरा चूरा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ये अगले दिन अब भूल जाइए, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं डाल, ये आप भी इतने बड़े टुकड़े भी डाल सको। ये इसका बेसन, ये बेसन है और ये मिट्टी, मिट्टी आप ये 1 किलो कह रहे थे नी, 1 किलो को जरूरी को नहीं है, आप कितनी भी ले इसको 2-3 किलो डाल दो, कितनी भी ले इसको, जितनी मिट्टी लोग उतने ज्यादा, 10 लीटर मूत्र गाय का, ये 10 लीटर मूत्र हो गया, ये मूत है, ये ड्राम तो हमने तैयार करना नहीं भी तो कबाड़ कर के रखा के रखा है, हां ये तो कट्ठा कर रखा है, ये देखो डाल दिया, ये तो टाइम के लिए है, ये हमारा की सारी चीज है, डाल दो सारा एकदम डाल दो, ये तो फिर ड्राम फिर तैयार करना पड़ेगा, इस नवा पर बोला है 10 लीटर मूत्र, मैं आपको बताता मंत्र, कोई भी लिक्विड आपने तैयार करना है, चाहे आप स्प्रे पंप से स्प्रे कर रहे हो, चाहे आप जीओ में तैयार कर रहे हो, उसको जिसमें पानी डालना है उसको पहले आप ऑफ कर लो, उस चीज को ऑफ कर लो, चाहे पानी टंकी हो आपकी, चाहे आपका ड्रम हो आधा के लिए आपने, उसके बाद जितनी इसमें डोज डालनी है, चाहे गोबर डालना है, चाहे गोमूत्र डालना है, चाहे गुड़ डालना है, वो डाल दो उसके अंदर, उसके बाद उसको थोड़ा फेर दो, ला दो उसको, फिर उसको जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उसको भर दो उसको, ऐसे स्प्रे पंप कर दिया, आप स्प्रे करते हैं ना, आप क्या करें पहले दवाई डाल देते हैं, दवाई डाल दी उसके बाद पानी डालते हैं हम, दवाई क्या उसकी नाली चढ़ जाती है, चढ़ गई नाली में दवाई दी गई सारी, लेकिन उसको पानी पड़ रहेगा, उसके बाद स्प्रे करा आपने, जिस खेत में आपने स्प्रे करो जहाँ पे वो गिरेगी उसका नुकसान करेगी किसान का, तो आप टंकी को हमेशा आधा पानी से करो, चाहे स्प्रे की टंकी हो चाहे आपको जीव अमृत हो, फिर आपका सही काम हो। ये फिर इतना उत्साहकर जी भी ये तैयार होगा नहीं, बस के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का जैसे मलाई नहीं आ रहा उस तरह से इसमें वो फफूंद सी आ जाएगी, तो फफूंद तो कंधे नहीं आना लेकिन वो जीवाणु होते हैं वो आ जाएगी और इसमें बिल्कुल अच्छी मैं कारण लग जाएगी जिस टाइम ये तैयार हो जाएगा, तो फिर न्यू समझ ले 6 दिन भी लग सका है, जाडा मत 8 से 10 दिन भी लग सका है, गर्मिया में 4 से 5 दिन का काम, हाँ 4-5 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाएगा, हाँ इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, यू आते मैं यू कितने में काम करेगा, यू 1 किले का एक एकड़ का तैयार हो गया था, 180 लीटर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक एकड़ का तैयार हो गया जी, 10 किलो मूत्र हाँ जी 10 किलो मूत्र, हाँ ये ड्राम है इसमें 210 लीटर पानी आ जाता है।